Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Paradise Function Palace. Booking are open. Lakshmi Nagar Colony, Mehboob Nagar. Infinity Store Exclusive Varmora Showroom. Tiles and Bathway, Infra Market and RR Lighting. At Reliance Foodway Lane, Padmavati Colony, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। नारायणपेट जिले के दामर गिदा मंडल के मौजे क्याटन पल्ली में वाक़ मस्जिद के सामने भगवे झंडे बांधने पर मुस्लिम तबके की जानिब से किए गए एतराज पर उसी गांव के अक्सरियाती तबके के अशरार की जानिब से मस्जिद के सामने क्या मस्जिद के मीनारों पर भी भगवे झंडे बांधने की धमकी के साथ 12 से ज़ायद अशरार की टोली ने मुसलमानों पर हमले को शरपसंदी की इंतहा करार देते हुए मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी मजलिसी फ्लोर लीडर व सदर टाउन मजलिस, मोहम्मद अब्दुल माबूद, मोहम्मद अब्दुल ताहिर सीनियर मजलिसी कायदीन ने दही सतह तक फ़िरका परस्ती के जहर के फैलने से और फ़िरका वाराना हम आहंगी मिसालें दिए जाने वाले देहातों में इस किस्म की शर अंगेज़ी को अफसोसनाक करार दिया। इस हमले में हुसैन नामी नौजवान ज़ख्मी हो गया, जिसको रात 2 बजे सरकारी दवाखाना नारायणपेट मुंतकिल किया गया। ट्रीटमेंट के बाद बेहतर इलाज के लिए महबूब नगर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इतला मिलते ही सदर मजलिस व दिगर मजलिसी कायदीन ने सुबह की अवलीन सातों में सरकारी दवाखाना महबूब नगर पहुँच कर इनकी इयादत की और पुलिस को खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर सचू पहलवान और मोहम्मद जमीन मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज अपडेट्स के तहत वाक़ दामरगिद्दा मंडल के मौजे कैतनपल्ली में कल रात 12 बजे के करीब अक्सरदी तबके अशरार ने मस्जिद के सामने भगवा झंडा लहराने की कोशिश की थी, इस पर मुसलमानों के एतराज पर उन्हें मस्जिद के सामने तो कूदा, मस्जिद के ऊपर भी झंडे लहराने का धमकी दी, जिस पर गांव में तनाजा पैदा हो गया और अक्सरदी तबके के अशरार ने मुसलमानों पर हमला करके उनको ज़ख्मी कर दिया। 12 से ज़्यादा हमलावरों में हुसैन नामी एक शख्स के सर पर गहरी चोट आई थी, जिसको महबूब नगर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया था। फिर खवारियत इस छोटे से मौजे में फैलना तशीशनाक है। वैसे तमाम देहातों में अमन पसंदी और भाईचारगी की मिसालें दी जाती थी, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में फिरका परस्ती का जहर गांव-गांव देहात-देहात पहुंच गया है। इसकी वजह से वाकया पेश आया है, इसकी मैं सख्त अल्फाज मजम्मत करता हूं और पुलिस अदारों से इस बात का मुतालबा करता हूं कि वो शरपसंदी फैलाने वाले शरपसंद के खिलाफ कानून की खानी आहनी पंजे से सख्त तरीन कार्रवाई करें और मौजे के अमन अमाल को बहाल रखें। वैसे भी नारायणपेट ज़िला रेवंत रेड्डी साहब के हलके के मुतसिल हलका है, इस इलाके में SP और पुलिस अदारों को तमाम एहतियाती इकदाम के ज़रिए अमन को बाकी रखना चाहिए, लेकिन अफसोस वो नाकाम हो रहे हैं। इससे पहले कोज़ी में भी एक वाक़ा हुआ जिसमें शरपसंद की, आज इस देहात में वाक़ा हुआ। इस तरीके से महबूब नगर ज़िला जो CM KCR रेड्डी साहब का मदर ज़िला है, उस ज़िले में इस किस्म के वाक़ात हुकूमत के लिए तशीशनाक है, क्योंकि जो लाइनर का जो खलंदान है वो CM के पास ही है। इसलिए मेरी उहदेदारों से सख्त अपील है कि वो अमन को बाकी रखने के लिए छोटे से छोटे वाक़े को सरनजर न करें, बल्कि सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि अमन बहाल रह सके। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।